अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी मुज़ैनब शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है अलविदा जुम्मा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान इतनी जल्दी चला गया और रमज़ान ख़त्म होने आ रहा है। मतलब बहुत दुख होता है जब रमज़ान ख़त्म होता है। जितनी एक्साइटमेंट आने की होती है उतना ही गम जाने का होता है। सो एक्चुअली मेरा आज का जो व्लॉग कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज जुम्मा है। बट बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स मेरे बाकी हैं, बट कब आएगा मुझे नहीं मालूम है ये वाला व्लॉग। सो मुझे आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करनी है। आज मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब इट इज़ फॉर अ गुड कॉज। जो हमारी भाभी है गौहर, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। मतलब इतना अच्छा उनके पास आइडिया आया है कि उनके एक ब्रांड के कपड़े थे, मतलब उनका खुद का एक ब्रांड था गौहर जीएस। आप लोग को अगर पता होगा तो, अगर आप उनको फॉलो करते होगे पहले तो, उनका एक ब्रांड था गौहर जीएस, उनका खुद का ओन इन हाउस ब्रांड था। और उनके पास वो सारे कपड़े पड़े थे, तो उनको आइडिया आया कि एक एग्जीबिशन लगाते हैं एंड जो भी फंड्स वगैरह उससे आएंगे वो सारा गाजा को जाएगा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी सोच, बहुत अच्छा है मुझे। मतलब ये आइडिया इतना अच्छा लगा, सो मैंने सोचा कि मैं भी वहाँ पे उसका पार्ट बनना चाहती हूँ। इतना अच्छा कॉज के लिए कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ और उसका पार्ट बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ सुनकर। अल्लाह हम सबको भी इतना दे कि हम वहाँ के लिए मदद करें। मतलब जितना हमसे हो सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ वहाँ के लिए मदद करिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी फैमिली से, हमारी भाभी जी ने शुरू किया है माशाल्लाह से। तो मुझे बहुत 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 सच में बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को भी सुनकर बहुत खुशी होगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग को ये सुनकर एक बोलते हैं ना, अलग फीलिंग आती है कि कैसे हम मदद कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों की। और अल्लाह बस बोलते हैं ना, एक चीज़ है कि आप जितना दोगे अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा, तो उससे ज़्यादा नवाजेगा इंशाल्लाह। तो बस ये हमेशा अपनी सोच बनाकर रखना। चलो अब चलते हैं। और शहजान नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके काम है और ये डे टाइम में एग्जीबिशन लगा है, तो पूरा दिन उनको काम रहता है एंड इफ्तारी के टाइम वो फ्री होते हैं, वापस बैक टू वर्क हो जाता है उनका, तो इसलिए वो इस चीज़ का पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो अब मैं ही अकेले यहाँ से जा रही हूँ, तो चलिए। सो जैसे कि आज जुम्मा है तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया, कर्टन्स तो दो तीन दिन पहले ही चेंज कर दिया था। और जैसे अलविदा जुम्मा है तो मैं ये न्यू आउटफिट पहन रही हूँ, मतलब न्यू सूट पहन रही हूँ जो मुझे शहजान ने अहमदाबाद से लेकर आए थे मेरे लिए। तो बस अभी इसे पहन कर रेडी हो जाते हैं। सो मैं हो गई हूँ रेडी। और ये रहा वो जो टाउन से 100 रुपीज़ का बैग लिया था ना, कितना अच्छा लग रहा है। सो बस अभी चलो निकलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम जुम्मा वाइब्स। शुक्रिया, लेकिन ये ब्लैक मैंने पहना ना तो धूप इतनी अट्रैक्ट कर रही है, सब गर्म था बाहर, बाप रे। हाँ ना, हिफाजत करे वो ब्लैक कलर खींचता है ना सनरेज पूरा। यही था शादी किया था, ये इतनी समझदार है। चलो शेजी, तुमको तो पता है ना मैं किधर जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है। और कितनी अच्छी चीज वो बोल रही हूँ, मतलब हाँ वो हेल्प करना। एक सेकंड, ये ऑटो टाइम पे आ जाती है। अरे ऑटो अपने को चाहिए भी। शुक्रिया है, क्या हुआ तो चला गया मुंह में। माशाल्लाह अच्छे काम के लिए जा रहे हो, दिल से करो, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम भी आते तो अच्छा लगता। हाँ इंशाल्लाह, देखता हूँ बाद में हुआ तो आऊंगा। आप जाके संभाल के। ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखो आफ्टरनून टाइम पे वैशाली नगर ऐसे रहता है, थोड़ा आगे जाएगा, आई मीन रिक्शा ऑटो आगे जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। इतना नहीं है रश, देख सकते हो आप। ये देखो ये भी पूरा खाली है, लेकिन शाम में अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को उसका नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। सो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी। बहुत गर्मी है बाहर, मतलब एकदम कड़कती धूप है। ये रहा स्टूडियो अतरंग्स। हेलो कैसा अच्छा रीटेक था ना, हंस रही मेरे रीटेक। किधर है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। ठीक है, बाय, सी यू, खाओ आराम से। यस आओ। अच्छा पहली बात, मेरा कंफर्म नहीं था, ये लोग को पता नहीं है कि मैं आने वाली हूँ। उन लोगों का रिएक्शन देखते इतने फ़ोन कर रहे थे मुझे। पैसे लगाए होते ना वैसे, मैं जीत गई होती। क्यों मुझे इतना परेशान करते ऑन द वे, वो कॉल कर रहे थे। क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी ना पीछे से, तुम्हारी ओवर एक्टिंग, फोन नहीं उठाने की,
तो मैं समझ ही रही हूं एक्चुअली तेरे लिए नहीं आया माय सिस्टर इज आल्सो हियर हाय हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कोई अच्छे कॉज के लिए यहां पर यस आई विल ऑब्वियसली आई विल टेक हिजाब्स यस वाओ व्हाट इज दिस बहुत जी एस हमारी भाभी जी अच्छी लग रही है माशाल्लाह पता है इससे पहले अनम आई थी तो मैंने बोला अनम ने अनम की सुनी और आई है जी गए आए थे वो गए अभी गाड़ी में ही है बोलो पता नहीं आ रहे कि नहीं साथ में अच्छी लग रही है अच्छा कलर पहन रहे थैंक यू इस शेजी ने मुझे दिया देख वही हम पूछना चाह रहे थे कि तुम्हें Buy any four hijabs for 999 only. अच्छा लगा तेरे लिए. Yes, I am going to take each and everything from her. Yes, good. दो देखो. Which is useful for me. Yes. Oh, अब भी आते वक्त मैं ये सोच रही थी मुझे ये हिजाब का चाहिए वो जो ऐसे आता है ना हम तुम्हें कॉल करना चाहिए ऊपर. बहुत डार्क आ रहा है ना इधर. Yes. कौन सा कलर है? मुझे वो मैं चाहती हूँ कि तुम ये सॉरी ये लेना चाहिए. अभी पहनने के लिए वो तो ले लिया ना ये बोला ना तुमने हां सॉरी सॉरी ये वाला हां सॉरी सॉरी तो ये अभी मैं पहनने वाली हूं वाइट निकाल रही हूं वाइट या इट्स मैचिंग आउटफिट दैट्स व्हाई एंड वाइट बहुत फेस को डार्क दिखा रहा है बिकॉज़ ये भी पूरा वाइट है ये भी पूरा वाइट है सब वाइट है सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड चेंज अभी और मैं बोल रही हूं ये डू नो वन थिंग के मैंने इनके साथ कोलैब भी किया है पहले सो एडोरेबल लास्ट ईयर किया था जब मैं हिजाब नहीं करती थी तब भी बट आपके हिजाब मेरे पास अभी तक हो गए मैं पहन रही हूँ सो यार आई विल चेंज दिस मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा एंड फैब्रिक इतना सॉफ्टी सॉफ्टी है एंड मैंने पिंस लिया है कुछ ओ नो मैग्नेट वाले मैंने ये दो कलर लिया जो मोस्टली हर आउटफिट पे जाना चाहिए बेसिक वाले एंड कलरफुल पिंस लिए है एंड ये भी लिया है जो पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने ऐसे वो पाने के लिए किया है ना क्योंकि वो फॉल हो जाता है पूरा हिजाब चलो ठीक है गाइस मैं अपनी आगे शॉपिंग करती हूँ आप भी अपनी शॉपिंग करिए मैं वहाँ से भी कुछ देखूँगी मेरे लायक कुछ है क्या अगर कुछ लॉन्ग रहेगा तो ओके अनम थैंक यू वेलकम बच्चों को मेरी बच्चों कैसा लगा मेरा सरप्राइज बोले मुझे पता था 100% पता था यहाँ से हिजाब बुशहरी और मम्मी के लिए मेरी सासू माम के लिए भी ले लेती हूँ कौन से जो सब पे मोस्टली जाए मम्मी भी यहाँ पे बाय कर रहे हैं सब कुछ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नमाज असर का टाइम हो गया है सो गाइज मैंने तो ले लिया है सारी शॉपिंग कर लिए और ये सारे पैसे गुड कॉज के लिए जा रहे हैं मतलब डायरेक्टली पर मैं ब्लॉग कर तो नहीं आएगा और ये डायरेक्टली गाजा के लिए जाने वाला है जो भी फंड्स आ रहा है यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं और इस वजह से हम लोग ये सारे चीज़ बाय कर रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं अभी ज़्यादा तो मैंने वीडियो लिया नहीं है सब शॉपिंग कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी रहती है सो यस और अनम पूरा सब कुछ हैंडल कर रही है जब से एंड जी सुबह पूरा सेटअप करके सब कुछ करके गए हैं एंड वो वापस आएंगे अभी सो अभी हम निकल रहे हैं यस लेट्स गो आपसे भी जो कुछ होता है प्लीज ट्राई एंड हेल्प अदर्स यस जैसे अभी ये एक आइडिया था आप लोग भी कुछ ऐसा आइडियाज मतलब दूसरे ला सकते हो फॉर अ गुड कॉज तो आप लोग जरूर ट्राई करना ये सब करके बहुत अच्छा लगता है दिल को सुकून मिलता है राय जनम यस चलो यस चलो अल्लाह हाफिज सो गाइज मैं अभी जा रही हूँ अभी डैड के वहाँ पे इफ्तारी करने के लिए और शायद से डैडी नीचे ही मिलेगा ना मुझे वहाँ पे ड्रॉप करिए और ये लोग मतलब ये लोग को मेरा सरप्राइज मुझे ही भारी पड़ गया क्योंकि मम्मी के भी प्लान मुझे अगर भी पता प्लान होता सॉरी टू इंटरप्ट बट मुझे अगर पता होता ना कि एक मुझे मैसेज करने होती ना इससे बोलते हमारे इस्लाम में ये भी है कि सरप्राइज मत लो हाँ किसी को बिना बोले उनके घर नहीं सॉरी हम देते हैं हम सब देते हैं एग्री करती हूँ बट नहीं देना चाहिए आज समझ आया मुझे क्यों मुझे अगर पहले बोल देती ना कि मैं आ रही हूँ तो मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं अकेली कर रही थी वैसे भी चल ठीक है वैसे भी मैं डाइट के वहीं मेरे जाने का प्लान था बट वहाँ पे भी कोई गेस्ट आ रहे थे तो मैंने बोला कि ऑकवर्ड नहीं हो जाए इसलिए मैंने बोला ठीक है नहीं मैं कल बाद में आती हूँ बट फिर ऐसा हो गया कि शायद मेरी नसीब में वहीं था इफ्तारी लिख करना और सभी मतलब अवेलेबल नहीं है सभी अवेलेबल नहीं है तो मैं डाइट के वहीं जा रही हूँ बिकॉज मेरा ऐसे कुछ डाइट को भी मिलना नहीं मेरा दिल वहीं था इफ्तारी करने का उनके वहाँ पे ही था इसीलिए देखो जो होता है ना मन जहाँ पे होता है अल्लाह
इफ्तारी में बोलते हैं ना, रोजे में जो मांगो दुआ कबूल होती है, वैसा ही सीन है, समझ लो। तो आप लोग भी रोजा रख के जो दुआ मांगोगे जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबकी इबादत कबूल करे, सबके रोजे कबूल करे और सबकी गुनाहों को माफ करे और सबको हिदायत दे, सबकी तकलीफ दूर करे, खास करके फलस्तीन वालों की, और जो गुजर गए उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सबर दे, बस और कुछ भी नहीं। सबकी जायज दुआएं कबूल हो। पटक गया। ओके गाइस बाय। और हाँ, ये देखो मैंने उसमें से एक हिजाब भी पहन लिया, आप लोगों ने देखा ना वही, जब मैं वीडियो बताना भूल गई, मैं आप लोगों को बहुत प्यार लग रहा है, मैच कर रहा है यार, हमने चूज किया मेरे लिए, सो आई लाइक इट, थैंक यू गाइस, बाय। ये देखो डैडी यहाँ पे आ गए, यहाँ से मुझे अभी डैडी पिक करेंगे और अनम यहाँ से डैडी इतना पूरा यूटर्न लेके क्यों आया आप? आवाज नहीं आ रही डैडी, अपने बच्चों के लिए आया बोल। मैं एक यूटर्न नहीं, सारे यूटर्न क्रॉस। अरे बाप ले। ओके बाय। बहुत आवाज आ रही, नहीं आएगी आवाज, नहीं आएगी, अंदर बैठ कर लो। चल अल्लाह हाफिज, थैंक यू अनम फॉर ड्रॉपिंग मी, बाय। यस बाय। सो अभी हम आए हैं मिल्लत नगर के मार्केट और आप देख सकते हो लाइन से पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है, आगे तो पूरा भरा हुआ है, मार्केट शुरू नहीं हुआ। करेक्ट, ये सिर्फ फ्रूट्स का एरिया है। यस डैडी, अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, दिस कलर इज सूटिंग यू। डैडी अभी उतर के कुछ तो स्पेशल आइटम बोले ले रहे हैं, संभाल के जाओ भाई। अल्लाह, मेरे कान के पर्दे फट गए इतनी जोर से डैडी ने दरवाजा बंद किया। क्या ले रहे हो? चले गए आलू इधर। चलो कोई बात नहीं, मैं घूमने भी गया, सब पहचानते हैं तो यहाँ पे इतने सालों से उनका यहाँ पे नीचे उतर के सब सामान लेना। इतनी गाड़ी ला के खड़ी कर दी यहाँ पर, चाचा को रोजा लग गया। डैडी कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, रेडी हो गया ना? अभी भी कुछ ले रहे हैं, उस तरफ से कुछ और ले रहे हैं, आगे कुछ और है। ये आया मेन एरिया, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन सब आइटम होते हैं वो यहाँ पे है। और डैडी का तो हर साल नीचे उतर के लेना फिक्स्ड है सर की नमाज के बाद, है ना डैडी? मैं एक्चुअली मैं अपने आप को कभी बहुत बड़ा स्टार मानता नहीं हूँ और मानना भी नहीं चाहिए, इंसान बहुत छोटी चीज़ है और बचपन से जो आदत है उसको कोई छोड़ता है। करेक्ट। अगर मैं कोई थोड़ा दो चार गाने बम्पर हिट हो गए तो मैं अपनी औकात भूल जाऊँ, वो जमता नहीं है, मुझे तो नहीं जमता है। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। और मैं हर साल जब आता ही हूँ, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, ताकि ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो मुझे किसी भी चीज़ का वो नहीं लगता। सही बोल, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। देखो आखिर में तो ज़मीन में ही जाना है, तो आप सभी हम सबको ही जाना है, सब यहीं छोड़ जाना है। हम मुसलमानों को ज़मीन के अंदर जाना है और जो हिंदू है उनको राख हो जाना है, तो होना क्या है? कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है भाई। करेक्ट। जो अच्छा लगता है करो, वो करो और ज़्यादा लोगों को सिखाओ मत। अल्लाह हाफिज़। डैडी हम लोग यहाँ पे आए थे रात में लेमन टी पीने के लिए, अभी नहीं है, अभी कुछ और लगा है इधर, ये तो रोज कुछ ना कुछ लगा, अभी कुछ और लगा है, अभी गाड़ी पार्किंग की जगह ही नहीं है तो मैं भी क्या करूँ। तो पार्क क्यों करना है, क्या लेना है अभी? अरे लो अभी तो सब बहुत कुछ लेना है, अभी तो कुछ लिया ही था। हाँ सही बोल रहा हूँ, कुछ लिए, सिर्फ वेजिटेरियन ही लिए डैडी सब। ये यहाँ चाहिए थे हमने, देखो लेमन टी ये रहा। अरे है, ये क्या है ना, हाँ यहाँ पे लेमन टी, मजा आ गया गाइस, बहुत मजे की लेमन टी है, सब्जे वाली लेमन टी, बहुत मजा आई मुझे। ठीक है, हम लोग वो रात को 1 बजे के बाद पीते हैं। यस गुड। तुम किसको शूट कर रही हो, मुझे कर रही हो कि किसी और को? नहीं आपको ही कर रही हूँ। मैं तो थोड़ी दिखाई दे रहा हूँ, रुको मैं आपको ना कैमरा बंद करके दिखाती हूँ। जो जो खाना है वो मैं तेरे को दिलाता हूँ। ओके डैडी, हम लोग ने एक थैली ले ली है इसे,
और इसके अंदर सब हम लोग प्लास्टिक की थैली एक साथ डालेंगे। तो मुझे ना डैडी कांडी चिकन कांडी खाना है। मैं क्या पहले से थोड़ा डिसिप्लिन मिला नहीं, मैं आप लोगों को डैडी की एक चीज़ बताती हूँ, हमेशा से उनकी आदत है जहाँ भी शॉपिंग करने जाते हैं कुछ करने जाते हैं ना तो डैडी की थैली लेने की आदत हमेशा है। डैडी एक्स्ट्रा थैलियाँ। डैडी कैमरे में देखो, फोन आ गया। ओके डैडी बाय। अरे डैडी अभी मेरे लिए ले रहे हैं दही वड़ा। ये दही वड़ा थोड़ा कम हुआ ना डैडी का? बहुत कम हो गया। दिखाओ जरा दही वड़ा। अभी मैं बनाऊंगा। जब आप बनाओगे खुद? वाओ ठीक है, तब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। मसाले वाले आलू और रगड़े चने। मैं तो सिर्फ रगड़ा खाऊंगी डैडी। मुझे ना एक्चुअली चाहिए चिकन कांडी, अच्छी टेस्टी चिकन कांडी। डैडी दही वड़ा बना रहे हैं। मतलब दही वड़ा नहीं बना रहे, ऊपर से उसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह। डैडी यहाँ पे जूस ले रहे हैं, तब तक मैं आगे जाके चिकन कांडी ले लेती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। किधर है चिकन कांडी? आगे देखी थी कहीं तो। हाँ इधर है शायद, ले लेते हैं चिकन कांडी। दो ये ग्रीन। अब यहाँ से हम लोग दाल आइटम ले लो भाई। चिकन भाई, दाल चाप एकदम खो जाते रेडी नीचे आके स्माइल लेके। हो गया अभी, चलो घर के लिए रवाना होते हैं क्योंकि अभी इफ्तारी होने में बस 10 मिनट बज गए। दुआ भी मांगना है। अल्लाह डैडी खुल, हाँ खुल गया। अल्लाह मियाँ निकली नीचे से। आ गए हम। बहुत अच्छा शॉट। हाँ उधर ही आई टुक देयर ओनली। यस बस डैडी चलो जल्दी, अपने बस 9 मिनट ही है खाली। लेट्स रन। गाइज आप मेरी प्लेट देख सकते हो, मैं इतना खाती नहीं हूँ। ये बाप का प्यार है जो एक प्लेट में भर चुका है। अल्लाहुम्मा बारिक लहू माशाल्लाह। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये भी मुझे खाने बोल रहे हैं। बाप का प्यार एक प्लेट जितना नहीं होता है। अरे लेकिन मेरी प्लेट में तो भर दिया ना पूरा बाप का प्यार। चलो इतना नहीं नहीं बोलने के लिए भी मॉन्स्टर प्लेट। मॉन्स्टर प्लेट, ये तो मॉन्स्टर कैलोरी प्लेट है। कोलेस्ट्रॉल कैलोरी प्लेट, ये देखो ये कम से कम ये 1200-1500 है कम से कम। ये एक कम से कम ये दो तो मिलाकर के है कम से कम 100% है ना ये तो। मैं और ईमान सबसे पहले मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हैं। ईमान आगे पढ़ रहा है, मैं पीछे पढ़ रही हूँ। देख लो आप लोग डिफरेंस है तो कमेंट करोगे। और इफ्तारी के बाद मस्जिद में नहीं जाया जाता ना, बट जाना चाहिए, बट नहीं होता मोस्टली बहुत लोगों का। हाँ हम लोग बाद में खाएंगे, पहले हम लोग सोचे नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी फ्री हो जाते हैं। एफ ए को कपड़ा पहना रहे अभी। अरे कपड़ा पहनाने के बाद चलती कैसे है देखो। ए फे अरे क्या कॉमेडी है ये तो। डैडी तो मार डाला कर। बहुत ही उलझन में है हमारी दोस्त। कपड़ा निकालने की पूरी कोशिश है, उसने अभी से डायपर बना दिए। ओ हो सक्सेसफुल सक्सेसफुल हम लोग उतर रहे हैं। बाय गाइस। ये देखो जैसे मैंने आप लोग को बोला था ना, मैं आप लोग से रात में शेयर करूंगी। इतना रश है देखो, दूर दूर तक है। सो डैडी ने मुझे यहाँ पे वैशाली का हाफ पे छोड़ दिए क्योंकि अंदर डैडी अटक जाएगा, तो मैंने मना कर दिया उनको अंदर आने। सो डैडी जजाक अल्लाह खैर। चलो अल्लाह हाफिज, जाओ अभी संभाल के वहाँ पे क्रॉस करो। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ ओके डैडी अल्लाह हाफिज़। ये देखो ये रीज़न की वजह से मैंने डैडी को अंदर नहीं लाया है, पूरा ब्लॉक है रोड और
इतनी बड़ी गाड़ी अटक जाते और पूरा आधा एक घंटा तो यहीं अटक जाते। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ के लिए मैं गई थी वो बहुत अच्छे से हुई है और हमारी जो गौहर भाभी है उन्होंने बहुत ही एक नेक काम किया है। अल्लाह उस चीज़ का अजर दे उनको और जो भी उसमें चीज़ में हेल्प कर रहे आके उन सबको उस चीज़ का अजर मिले, इंशाल्लाह आमीन। सो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखें, खास करके मेरे ससुर को, फलस्तीन को और जितने लोग तकलीफ में हैं, जो बीमार हैं उनको शिफा के लिए, जो गुजर गए उनकी मगफिरत के लिए और उनके घर वालों के सब्र के लिए। बस ये सारी दुआएं हमेशा अपने लिए रखना, मतलब अपने दुआओं में रखना। प्लीज़ मेरी एक ये रिक्वेस्ट है सबके लिए दुआ करना, जितना आप सबके लिए दुआ करोगे अल्लाह आपकी लाइफ उतनी बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अभी मैं लेती हूँ अलविदा, अल्लाह हाफिज़।